Hey everyone, this is CA Premier Suneja, and we are here to continue with our already two discussed sessions, which were on computer hardwares and computer softwares. These are the parts of chapter number one of the e-learning course of DISA. And in today's class, we are going to discuss about the most important topic of the e-learning class, which is database and database management systems. फ्रेंड्स, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को पढ़ने से पहले इन्होंने हमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है DIKW. मैं अपनी वही बैकग्राउंड मटेरियल ऑफ ICI से ही पढ़ रही हूँ, जो हमारा इंस्टीट्यूट का प्रोवाइडेड मटेरियल है. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी. तो ये जो हमें इन्होंने दिया है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और ये टॉपिक जो है वो सिर्फ हम यहाँ नहीं पढ़ते, ये टॉपिक हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिलता है. और प्लस ये टॉपिक जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है. द टर्म्स आर डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड द फोर्थ वन इज विजडम. हम इसको बहुत ईजी तरीके से पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला हमारा वर्ड है डेटा. डेटा मतलब रॉ इन्फॉर्मेशन. आपके पास कुछ सामान अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सीड्स हैं, ठीक है. यू डोंट नो व्हाट दो सीड्स आर, किसके सीड्स हैं, कौन से बीज हैं, आपको नहीं पता आम के हैं, किस चीज के हैं, कुछ नहीं पता आपको. यू जस्ट हैव सीड्स. दो सीड्स, दैट इज द रॉ मटीरियल, इज कॉल्ड डेटा. आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें. रॉ इन्फॉर्मेशन, द रॉ मटीरियल इज कॉल्ड डेटा. फिर आता है उसके बाद इंफॉर्मेशन. इसको भी हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे. इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जब आपकी वो जो रॉ मटेरियल था जो आपके पास अवेलेबल, उससे आपको थोड़ा सा कुछ ज्ञान हुआ. मतलब क्या पता चला, मतलब आपको उससे थोड़ी सी ज्ञान नहीं बोलूंगी, सूचना बोलूंगी, आपको उससे थोड़ा सा कुछ पता चला. क्या पता चला आपको? जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो जो सीड्स हैं दे आर मैंगो सीड्स, तो हमको पता चल गया कि वो जो इंफॉर्मेशन मिल गई हमको, हम बिल्कुल ब्लैंक नहीं हुए इस टाइम पे. हमें अब पता चल गया कि दो सीड्स आर मैंगो सीड्स. तो ये एक इंफॉर्मेशन है आपके पास. स्टिल कुछ इसका यूजफुलनेस नहीं आया. उसके बाद आते हैं हम नॉलेज पे. नॉलेज मतलब एक इंफॉर्मेशन जो आपने एनालाइज करी और एसिमिलेट करी. क्या मतलब होता है एनालाइज और एसिमिलेट करने का? मतलब आपने उस इंफॉर्मेशन, ऐसी आपके पास और भी इंफॉर्मेशन है, तो वेन कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आपकी कंबाइन हो गई, उसका मतलब हो गया आपके पास नॉलेज है किसी चीज की. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि वो मैंगो सीड्स हैं और आप उसको देख के बता सकते हो कि वो मैंगो सीड्स हैं. इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा या देख रखा होगा पहले कि मैंगो सीड्स कैसे होते हैं. और प्लस हो सकता है आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन हो कि जो मैंगो के सीड्स होते हैं उसको किस तरीके से आपको बोना होता है एंड किस तरीके से मैंगोज के प्लांट्स लगते हैं, है ना. तो वो भी एक इंफॉर्मेशन थी. तो ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्टिव हो गई उससे आपको नॉलेज मिली, तो दिस इज कॉल्ड नॉलेज. और फिर उसके बाद आता है विजडम. विजडम मीन्स आपने किसी नॉलेज को अप्लाई करा टू टेक सम डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नॉलेज है कि आपको जो मैंगो के ट्रीज हैं वो कैसे प्लांट करने हैं. तो when you have that knowledge and you actually planted those trees, तो वो बन गई wisdom. Means क्या हुआ? आपको उस चीज की knowledge तो थी ही, plus आपको ये भी पता चल गया कि आपको उस knowledge को कैसे practically use करना है to ascertain some goals, to take some decisions. तो ये हो गया हमारा wisdom. तो ये हमारा data management का एक बहुत ही important process है, जिसमें हमारे four terminologies use होते हैं. The terminologies are data, यानी कि रॉ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मीन्स यू हैव समथिंग विच इज नॉट रॉ, बट यू डू नॉट हैव एनी फर्दर थिंग्स इन दैट. आपको उससे कुछ पता चल रहा है लेकिन और पता चलने की भी उम्मीद है. देन यू हैव द नॉलेज, मतलब एक ऐसी चीज जिसके वजह से आप, यू हैव समथिंग कि आप कुछ कर सकते हो, एंड यू एक्चुअली व्हेन यू डिड समथिंग वो बन गया आपका विजडम. तो दीज वर द फोर टर्म्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम. इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. जैसे डेटा हो गया हमारे पास प्रेरणा या कोई भी नाम, और फिर उसके बाद जब वो लिस्ट में हमें पता चला कि दीज ऑल आर द नेम्स, तो वो बन गई एक इंफॉर्मेशन. जैसे सपोज कोई लिखा हुआ है कहीं पे दिल्ली, तो दिल्ली इज कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी है. दिल्ली, दिल्ली इज जस्ट अ नेम, अ प्लेस. तो वो जो दिल्ली वर्ड है
वो आपका क्या है, डेटा है. एंड व्हेन उससे इंफॉर्मेशन कैसे बनेगी, व्हेन यू गॉट टू नो कि हाँ दीज आर द प्लेसेस वेयर, सपोज से दीज आर द प्लेसेस वेयर एनीथिंग इज वेरी पॉपुलर, मेड बी एनीथिंग, राइट. तो वो हमारे थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन बन गई. और फिर नॉलेज कैसे बनी, जब हमने उस जगह के बारे में और चीज़ें यानी कि और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी तो हमें उस जगह की नॉलेज हो गई. तो इन्फॉर्मेशन बनते 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 एक नॉलेज हो गई. और विजडम मतलब सपोज मुझे पता चला कि दिल्ली में सपोज गोलगप्पे बहुत टेस्टी मिलते हैं, तो और मुझे ये भी पता चला कि दिल्ली में से शर्ट्स बहुत अच्छी मिलती हैं या कोई भी एनीथिंग बहुत अच्छी मिलती है. एंड देन मुझे ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें पता चल रही. फॉर एग्जाम्पल मैंने दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता करा कि दिल्ली में ताजमहल इज़ वेरी फेमस, दिल्ली में कुतुब मीनार इज़ वेरी फेमस. एंड देन जब मुझे दिल्ली में ताजमहल ये कब हुआ, ओके दिल्ली में कुतुब मीनार इज़ वेरी फेमस, ठीक है, दिल्ली में बंगला साहिब इज़ वेरी फेमस. तो जब मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें जो हैं कलेक्टिवली मुझे पता चल गया, तो ये एक नॉलेज बन गई. एंड देन व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ द थिंग्स, मैंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड करा कि लेट अस गो देयर, तो ये हमारा एक विजडम हो गया. तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया हमारा डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम का, राइट. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने हमें पढ़ाया है वो हमें बताया है इन्होंने हायरार्की ऑफ डाटा का, यानी कि जो डेटा का मूवमेंट होता है या जो डेटा का साइज होता है वो किस तरीके से बढ़ता है. यानी कि जो आपके पास कलेक्टिव आपका जो सपोज आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो सारा आपने डेटा ही बोल रही हूँ मैं, ऑल्दो डेटा ही समझाने जा रही हूँ बट स्टिल डेटा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बहुत रेगुलर वर्ड है जो आप लोगों को पता भी है. बट अभी हम उस मतलब उस वर्ड का भी ना अभी हम फर्दर देखेंगे कि उस वर्ड का भी मतलब क्या निकल रहा है. तो आपके जो इसमें कंप्यूटर में जितना भी जो भी फाइल्स अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, फोल्डर्स आपने क्रिएट करे हुए हैं, फाइल्स हैं उसके अंदर, तो वो सब जो है वो किस तरीके से होते हैं, मतलब व्हाट इज़ द मेन थिंग, फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है वो हम पूरा अभी देखेंगे. तो सबसे पहले हमारा जो होता है कैरेक्टर होता है, मतलब हम ऑपोजिट चल रहे हैं, हम इसमें इसी सीरीज में नहीं चल रहे हैं जो सीरीज यहाँ पे मेंशनड है हायरार्की की, हम उल्टी सीरीज में चल रहे हैं. यानी कि हम इन डेप्थ से स्टार्ट करें कि स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या था. तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा क्या था, कैरेक्टर. कैरेक्टर मतलब सी दीज आर द कलेक्शन ऑफ बिट्स. बिट्स क्या होते हैं, द लैंग्वेज विच इज बींग यूज बाय द कंप्यूटर, द बाइनरी लैंग्वेज, उसको जीरो एंड वन है ना, वही बिट्स हैं हमारे. तो वो जब कलेक्ट होके, यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ड कह सकते हैं इज अ कैरेक्टर, राइट. तो जैसे कि हमारे पास एक कैरेक्टर हो गया ट्रैवलिंग, या फिर एक कैरेक्टर हो गया से एनी नेम प्रेरणा, हम बहुत ईजी से समझते हैं. लेट इज नॉट गो इन टू दिस एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं. तो हमारे एग्जाम्पल में जो कैरेक्टर है वो क्या है, प्रेरणा. एंड देन फील्ड, फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि यू गॉट टू नो दैट देर आर द कैरेक्टर कॉल्ड नेम, देर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड आधार नंबर, देर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड एज, देर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड ब्लड ग्रुप. तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये सारे कलेक्ट होके जो है फील्ड बन रहे हैं. यानी कि एक फील्ड हो गई हमारी, एक फील्ड हो गई हमारी जिसमें क्या आ रहा है हमारा सारे नाम का, जितने भी नाम है उन सब का क्या आ रहा है, आधार नंबर आ रहा है. या फिर एक सीरियल नंबर हमारी फील्ड हो गई, उसके अंदर 1 2 3 4 आ रहा है. फिर उसके सामने हमारे नेम आ रहे हैं, प्रेरणा ए बी सी डी एफ जो भी नाम है हमारे. फिर उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, उसके बाद वी हैव आधार नंबर आ रहा है, ब्लड ग्रुप आ रहा है, एंड दोज थिंग्स आर कमिंग, ठीक है. फिर उसके बाद आता है रिकॉर्ड. रिकॉर्ड मतलब जो जितनी भी फील्ड्स थी टोटल, जैसे मैंने आपको अभी फील्ड्स डिस्कस करी, नेम, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप, एज, ये सारी फील्ड्स थी. तो ये जितनी भी फील्ड्स थी वो जब एक पर्सन की कलेक्टिवली हम एक जगह पे रख देते हैं उसको बोलते हैं रिकॉर्ड. जैसे अगर हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट कार्ड होता है, आप स्कूल में रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, तो जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं हर बच्चे का एक सेपरेट रिपोर्ट कार्ड होता है, तो दैट रिपोर्ट कार्ड इज व्हाट, दैट इज अ रिकॉर्ड. तो रिकॉर्ड मतलब एक पर्टिकुलर नेम का, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन का, या किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल का, किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग का सारा डेटा एक साथ जब आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, ठीक है. ऐसे ही फाइल क्या होता है, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. मतलब हो सकता है कि क्लास 10th बी में देर वुड हैव बीन सेवरल 40 स्टूडेंट्स, एंड उन 40 स्टूडेंट्स का अलग अलग रिपोर्ट कार्ड होगा,
जब वो सारे रिपोर्ट कार्ड इकट्ठे यानी कि कलेक्टिवली एक फाइल में रख दिए जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड अ फाइल. फिर उसके बाद हमारा आता है डेटाबेस. डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स. हो सकता है आपकी एक फाइल बनी हो जिसमें आपके रिपोर्ट कार्ड्स हो सकता है एक फाइल बनी हो जिसमें आपकी लाइब्रेरी की आपने कितनी बुक्स इशू कर रखी हैं वो हो सकता है एक फाइल हो जिसमें आपका और कोई रिकॉर्ड हो, है ना. तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड से बना फाइल कलेक्टिवली और कलेक्टिव फाइल से बन गया डेटाबेस. जैसे कि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या डेटाबेस हो सकते हैं, दे हैव एन अकाउंटिंग डेटाबेस, दे हैव एन एचआर डेटाबेस एंड सेपरेट डेटाबेस. तो ये हो गया हमारा डेटाबेस. तो कैरेक्टर से लेकर डेटाबेस तक का जो हमारा पूरा प्रोसीजर था, जो पूरी हायरार्की थी, वो इस तरीके से थी. फिर उसके बाद आता है कि हमें डेटाबेस चाहिए क्यों. अब हमें डेटाबेस चाहिए फ्रेंड्स, हमने जब एक बार सपोज एक फाइल क्रिएट करी एंड मतलब हमने एक डेटा क्रिएट करा और उस डेटा में हमने मेंशन करा एंड दैट इज बीइंग सपोज मेंटेन्ड बाय एचआर टीम एंड देयर इज अ डेटा मेंटेन्ड बाय अकाउंट्स टीम. तो अब जो हमारे अकाउंट्स टीम ने डेटा मेंटेन करा है उसमें अकाउंट्स टीम ने भी मेंशन करा होगा कि नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, है ना, एज क्या है. एज भी चाहिए अकाउंट्स टीम को, डेफिनेटली चाहिए. टैक्सेशन कैलकुलेट करा होगा उन्होंने, वो सब चीज़ें करी होंगी, ठीक है. और एचआर टीम ने क्या करा होगा, उनकी एचआर टीम को तो नहीं चाहिए कि टीडीएस कितना कट रहा है, उनका कितना नहीं चल रहा है. उन्होंने तो एचआर टीम ने क्या बताया, उनकी ग्रॉस सैलरी बता दी, उनकी अटेंडेंस बताएगी एचआर टीम, एचआर टीम उनके डेट ऑफ बर्थ बताएगी, उनके फादर्स नेम बताएगी एंड देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वुड ऑल्सो हैव बीन देयर विद द एचआर टीम. अब देयर आर सम इन्फॉर्मेशन जो कि कॉमन है आपकी एचआर टीम और अकाउंट्स टीम में, जैसे कि नाम, एम्प्लॉय आईडी, एज एंड सैलरी. तो ये बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी कॉमन है दोनों ही डेटाबेस में. तो अब दोनों डेटाबेस में जब कॉमन चीज़ें आ रही है तो अगर हम उसको कलेक्टिवली मेंटेन करेंगे एक डेटाबेस बना के, तो उससे क्या होगा, हम लिंकेज कर पाएंगे. यानी कि अगर हम इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एक डेटाबेस में चेंज करा, जैसे अगर हमने एम्प्लॉय आईडी 001 के आगे चेंज करा कि उसकी जो सैलरी है वो रिवाइज होके 90,000 से 95,000 हो गई है, तो अब क्या होगा, जब उसकी सैलरी रिवाइज हो गई तो अकाउंटिंग डेटाबेस में ऑटोमेटिकली जाके वो अपडेट होगा. या फिर अगर सपोज उनका एड्रेस चेंज हुआ है तो जितने भी डेटाबेस होंगे जिनको वो एड्रेस दिखता होगा तो वो सारा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा. तो इससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मल्टीपल फाइल्स में चाहिए लेकिन हर बार मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े मुझे, इसलिए मैंने बना दिया डेटाबेस. अगर सपोज कि एक एड्रेस चेंज हुआ है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का और वो एड्रेस उन्होंने एचआर टीम में जाके अपडेट करा दिया बट अकाउंट्स टीम में नहीं कराया, तो उससे अकाउंट्स टीम ने जो टीडीएस सर्टिफिकेट भेजा था वो जाके भेज दिया उनके पुराने एड्रेस पे. उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक आपका काम जो था वो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बताने के बावजूद आपको इंटरनली नहीं पता चल रही वो चीज़. तो दिस इज द वे हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस मेंटेन कर सकते हैं जिससे कि हमारी सारी रिडंडेंसी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए. फिर उसके बाद लिमिटेड डेटा शेयरिंग, वही जो अभी हमने डिस्कस करा था सेम है एग्जैक्ट, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा डेटा किसको देना है. तो अकॉर्डिंगली अगर आप मास्टर डेटा में जाके चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिसको वो डेटा पहुँचता होगा वो अपडेटेड पहुँचेगा. एंड देन वी हैव लो डेटा इंटीग्रिटी. सेम, लेट्स से अ कस्टमर चेंजेस एड्रेस, डेटा माइट हैव बीन अपडेटेड इन द इनवॉइसिंग फाइल बट नॉट इन द अकाउंटिंग फाइल. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि इनवॉइस फाइल में तो अपडेट हो गया बट देन अकाउंटिंग फाइल में जब डेटर्स की लिस्ट बनी एंड देन दे सेंट की ड्यूज कितने आ रहे हैं आपके, वो उन्होंने पुराने एड्रेस पे भेज दिया, तो वुड दैट वर्क, तो नहीं होगा ऐसा. एंड देन देर इज अ हाई डिपेंडेंसी बिटवीन डेटा एंड एप्लीकेशन, मीन्स दैट इफ देर इज एनी चेंज इन द डेटा स्ट्रक्चर और फॉर्मेट इज मेड इन द डेटा फाइल, अ कॉरेस्पॉन्डेंट चेंज जो है वो ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी हो जाएगा. सो देर इज अ हाई डिपेंडेंसी जिससे कि डेटा हमारा इजीली अप्रोच करेगा, इजीली हमारा सारी चीजें होंगी. देन आता है हमारा व्हाट इज अ डेटाबेस, हम पढ़ चुके हैं डेटाबेस इज व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टिपिकली डिस्क्राइबिंग द एक्टिविटीज ऑफ वन और मोर रिलेटेड फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कैबिनेट दैट इज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा फाइल्स
some databases appear to be single file to the operating system. The database file then becomes a container for the entire file structure. It is ultimately what? A container jiske andar files hai. Humne upar bhi yehi dikha tha. A container of files is called a database. Right. Uske baad hum aate hain ki database hame, jo hamara database system ab ban gaya. Ab wo database system hame kya kya kaam karne de raha hai. क्या क्या ऑपरेशन हैं जो हम उस डेटाबेस सिस्टम पे कर सकते हैं. हम न्यू फाइल्स ऐड कर सकते हैं, हम एग्जिस्टिंग फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, हम एग्जिस्टिंग फाइल्स में कुछ और डेटा ऐड कर सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं, कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं. तो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी डेटा बना हुआ है आप उसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो दिस थिंग मॉडिफाइंग डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल्स. Then you can delete the data in inserting files and retrieve or querying data from the existing files. अगर आपको कोई information चाहिए तो आप उससे collect कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमारा ये तो था हमारा data. Now जितना important data एक organization के लिए होता है, क्योंकि अगर आपका data leak हो गया then your entire office is closed. मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपकी बहुत सीक्रेसी होती है, मेंटेन करनी होती है आपको, जिसमें आपके कोई लूप होल्स, अगर सपोज वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में चली गई, अगर वो डेटा मार्केट तक पहुंच गया तो उससे क्या होगा, उससे आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो लीक हो सकते हैं मार्केट में और आपकी कॉम्पिटेंसी जो है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है. तो जितना इम्पोर्टेंट डेटा है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही नहीं बल्कि मैं बोलूंगी उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस डेटा को मेंटेन करना, क्योंकि वंस डेटा इज लीक्ड योर ऑर्गेनाइजेशन इज फिनिश्ड. सो व्हाट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इट इज अ सॉफ्टवेयर. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एड इन ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड यूजिंग द डेटा नीडेड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. मतलब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेटा चाहिए वो उसको संभाल के रखेगी, उसको पूरा ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल करके रखेगी, उस पर पूरी सिक्योरिटी जो फैक्टर्स है वो लगा के रखेगी. तो दिस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और अ सिस्टम. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट यू शुड नो हाउ टू ऑडिट द डीबीएमएस सिस्टम, विच विल ऑल्सो बी स्टडीड इन दिस चैप्टर ओनली, कि हम डीबीएमएस को कैसे ऑडिट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है फॉर क्रिएशन एंड कंट्रोल ऑफ अ डेटाबेस एंड मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस. दे प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट एंड मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस. डीबीएमएस कैन मीन डेटा रिपोजिटरी और द एप्लीकेशन बंडल्ड विद द डेटा रिपोजिटरी टू एक्ट एज फ्रंट एंड. एप्लीकेशंस एक्सेस द डीबीएमएस ऐप एंड व्हिच देन एक्सेस द डेटा. तो अल्टीमेटली जो हम एक्सेस करते हैं, मतलब जो हम थ्रू एप्लीकेशन जो हम एक्सेस करते हैं वो हम डीबीएमएस में करते हैं एंड जो डीबीएमएस है वो डेटा को एक्सेस करता है. क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सिक्योरिटी कंट्रोल है जो हमें अल्टीमेट डेटा तक जाने से रोकता है. यानी कि अगर मुझे एक डेटा को फेच करना है तो मुझे पहले डीबीएमएस में कमांड देनी पड़ेगी एंड देन डीबीएमएस अकॉर्डिंगली चेक करेगा कि वेदर आई एम द ऑथराइज्ड पर्सन और नॉट, और फिर ही मुझे जाके वो इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ अ डीबीएमएस. डीबीएमएस मेंटेन करने के एडवांटेजेस क्या है? यू कैन परमिट द डेटा शेयरिंग. अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है, मुझे एक पर्सन को शेयर करनी है और एक यूजर को नहीं करनी, तो आई कैन अकॉर्डिंगली सेलेक्ट द थिंग्स कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन किसको देनी है एंड किसको नहीं देनी है. देन यू कैन कंट्रोल द डेटा रिडंडेंसी, जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है चीज़ों को. हमने एक बार चेंज कर दिया वो ऑटोमेटिकली सारी जगहों पर चेंज हो जाएगा. देन वी हैव इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन. ये भी हमने ऊपर पढ़ा था कि आपको इंश्योर करने की जरूरत नहीं है कि आपका जो सारा डेटा है वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, प्लस आपका जो डेटा है वो चेंज तो नहीं हो गया, मतलब तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करने की जरूरत नहीं है. आप यू कैन बी वेरी श्योर कि अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगा रखे हैं तो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होगी. एंड देन डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन है तो एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और अप टू डेट डेटा भी रहेगा. फिर है हमारे पास प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी. अगर आपके पास डीबीएमएस है तो आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हो कि हमारा जो जितने भी फॉर्मेट्स, जितने भी फाइल्स हैं हमारी इसी फॉर्मेट्स में रहेगी, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो इसी स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन से चलेंगे. तो
तो उससे क्या होगा, उससे चीजें एक्सेस करनी भी इजी हो जाएगी, बिकॉज जो कंप्यूटर है आपका, वो जो आपको एक्सेस करके देगा डेटा, वो सारा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ा होगा, तो ही आपको इजीली एक्सेस करके देगा. देन यू हैव द यूजर फ्रेंडलीनेस. जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर फ्रेंडलीनेस होते हैं, और DBMS जो होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उसी पे ही बनाया जाता है मेथड पे. देन वी हैव द इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, बिकॉज जो DBMS है आपका वो अलाउ करता है कि जो सेम डेटा है, यानी कि जो आपने डेटा एक ही जगह पे मेंटेन करा हुआ है, उसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं आपकी, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो जिस यूजर के लिए, जो ऑथराइज्ड यूजर के लिए ऑथराइज्ड डेटा होता है, वो उसको वो डेटा एक्सेस करने देता है. तो ये इससे क्या होता है, सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाती है, और प्लस आपको एक ही टाइम पे आप सारी चीजें एक्सेस भी कर सकते हो. देन यू हैव द अचीविंग प्रोग्राम और डेटा इंडिपेंडेंस. सेम इन अ DBMS, डेटा एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन दोज डेटा आइटम्स आर नॉट कपल्ड. Programs being independent of data files can be modified independently of the data files. Since in a DBMS, data does not reside in applications, but database programs and data are independent of each other. Means क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक particular data को change करना है, आपको एक particular data को change करना है, उसके लिए आपको पूरा information आपके पास available होने की जरूरत नहीं है. If you are the authorized personal, if you are the authorized user, तो आप उस चीज को change कर सकते हैं. फिर है फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेफिनेटली. फिर हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपके DBMS पे. आपका DBMS जो होता है आपका एक्सपेंसिव होता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है लोगों को, बिकॉज इसमें रेगुलर आपकी एक तो अपडेशन मांगता है, प्लस सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी सिक्योरिटी पे ही इतना खर्चा लग जाता है. फिर उसके बाद अगर सिक्योरिटी आपकी ज़रा सी भी मिसप्लेस हुई, तो वो पूरा DBMS सिस्टम खराब होने से पूरा डेटा आपका लीक हो सकता है. And then DBMS failure is a one point of failure. It means that if you have a single failure, आपका पूरा का पूरा DBMS data या फिर office organization structure fail हो सकता है. What are the models available in DBMS? DBMS we have 4 database models. We have 3 database models. They are hierarchical database. We have network database. We have relational database. What is a hierarchical database? देखो जैसे क्या होता है, एक ये आ रहा है computer, फिर उसके अंदर आ रहा है ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, एंड देन एफ ड्राइव के अंदर इन्होंने डीसा का एक आ रहा है, फिर मॉड्यूल 1. तो ये हायरार्की है एक प्रॉपर. देन नेटवर्क डेटाबेस में क्या होता है, नेटवर्क डेटाबेस में मतलब एक जो आपका रिकॉर्ड है और जो दूसरा रिकॉर्ड है वो थ्रू नेटवर्क कनेक्टेड है. तो ये आपका जो डेटाबेस है, ये आपका हायरार्कियल डेटाबेस था जिसके डेटा के अंदर डेटा था, और ये आपका नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है जिसमें आपका क्या हो रहा है, जैसे सपोज जॉन है आपका कोई पर्सन, उसका एक सेविंग्स अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, और टॉम है उसका भी एक, उसका एक करंट अकाउंट है और एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है. तो ये जो है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है, मॉडल है बेसिकली, एक सिस्टम टाइप्स है. फिर उसके बाद आपका आता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, मतलब आपने एक वो बना लिया रोज एंड कॉलम्स करके, आपने इंफॉर्मेशन को असाइन कर दिया है. तो इन्फॉर्मेशन जो आपने बेसिकली असाइन करी है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में करी है थ्रू, मतलब वो नेटवर्क जैसे होता है नॉर्मल हमारा, उस तरीके से हायरार्कियल में वन बिलो अनदर. एंड इन रिलेशनल डेटाबेस आपने प्रॉपर रिलेशनल डेटाबेस में आपने रोज एंड कॉलम्स के थ्रू लॉजिकल कलेक्शन करा है. देन वी हैव रिलेशनल डेटा इंटीग्रिटी. इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटीग्रिटी, यानी कि एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए कि डेटा में कुछ चेंजेस ना हो जाए, तो जो डेटा एक्चुअल है वही डेटा रिप्रेजेंट करे, तो उस चीज़ के लिए रिलेशन डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए दिस मॉडल प्रोवाइड स्पेसिफाइज सेवरल टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स. जैसे कि हमारे पास इन्होंने दिया डोमेन कॉन्स्टेंट कि आप क्या करो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आप और कोई डेटा एंटर ही ना करने दो. जैसे कि अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आपने उसमें डेट फॉर्मेट जो है वो एंटर कर दी, तो आप डेट फॉर्मेट के अलावा उसमें और कुछ नहीं एंटर कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा है मोबाइल नंबर, तो अगर आपने 10 digit एंटर नहीं करे तो वो लेगा ही नहीं, वो आपको एक एरर दे देगा. तो दिस इज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, द एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपने उस फील्ड पे कंस्ट्रेंट लगा दिया कि अगर इस फील्ड में आपने 10 digits एंटर नहीं करे, या फिर अगर डेट ऑफ बर्थ में आपने प्रॉपर DDMMYY में एंटर नहीं करा, तो वो आपको एरर दे देगा. आपने सपोज अगर मोबाइल नंबर की जगह आपने लिख दिया प्रेरणा, या अपना नाम लिख दिया आपने, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, आपका वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा.
फिर उसके बाद आता है आपका एंटिटी कंस्ट्रेंट. आप एंटिटी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि जैसे कि एक पर्टिकुलर फील्ड में हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस में जिसमें हम एक्सेल फॉर्म में मेंटेन करते हैं, तो एंटिटी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं आप. एंटिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, जैसे कि एक पैन नंबर बोल दिया मैंने कि ये जो एक पैन नंबर है आपको पैन नंबर में मेंशन करना ही करना है, और पैन नंबर जो है वो इस फॉर्मेट में होगा प्लस कभी भी निल नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया. एंड दैट वुड बी द मेन प्राइमरी की टू एस्टैब्लिश द रिलेशन विद द अदर थिंग ऑल्सो. वो आपका मेन चीज रहेगा जिससे आप रिकॉर्ड को चेक करेंगे, फिल्टर लगाएंगे रिकॉर्ड के ऊपर. फिर उसके बाद आता है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है कि आपने क्या करा, आपने सपोज इन अ रिलेशनल डेटा मॉडल एसोसिएट्स बिटवीन टेबल्स एंड आर डिफाइंड बाई यूजिंग फॉरन कीज, तो द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट्स दैट इफ देर इज अ फॉरन की इन वन टेबल इधर द फॉरन की मस्ट मैच द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल और एल्स द फॉरन की मस्ट बी निल. मतलब आपने एक रेफरेंस का वो लगा दिया, कंस्ट्रेंट लगा दिया कि अगर मेरे को सेल्स पर्सन आई डी लिखी है मैंने तो सेल्स पर्सन का नाम भी जरूर आएगा, है ना, उस तरीके से. फिर उसके बाद पीपल कौन कौन है जो एसोसिएट रहते हैं हमारे डीबीएमएस में, वी हैव द डेटाबेस ऑनर्स, वी हैव द डेटाबेस डिजाइनर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव्स एंड द एंड यूजर्स. ये उसी तरीके से है जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि कौन कौन से लोग हैं जो पूरे सिस्टम पे रहते हैं, हमारे यूजर पीपल, वो वही सब है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो दिस सेम वे. इन दैट मैनर ऑल्सो हमारे पास क्या क्या आ गया, इन द सेम मैनर हमारे पास आ गया कि कौन कौन से लोग हैं जो डीबीएमएस में एसोसिएट रहते हैं. सबसे पहले हमारे डेटा के ओनर यानी कि जो हमारा क्लाइंट होता है वो रहता है. फिर वी हैव द डेटाबेस डिजाइनर जो पूरा डेटाबेस को स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है. देन वी हैव अ एप्लीकेशन डेवलपर जो उस डिजाइन के बेस पे एक सिस्टम डेवलप करके देता है. देन वी हैव द एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरा चेक करता है और प्लस मैनेज भी करता है आफ्टर द डेवलपिंग ऑल्सो. और देन देयर आर द एंड यूजर दैट इज द एम्प्लॉयज जो पूरे मैटर को देखते हैं, यूज करते हैं इन देयर डेली लाइफ. Then we have normalization. What is normalization? Normalization means to set at the right angle. Matlab, it is used to set the table right. Database normalization is a conceptual database design technique which involves process of organizing the fields and tables of a relational database to minimize redundancy and dependency on non-key elements. Matlab, kya hua hai iska? इन शॉर्ट इसका मतलब हमारा सिर्फ इतना ही हुआ कि हमारे पास अगर कोई डेटा है जो कि करेक्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, एक ही डेटा के अंदर आपने सारी उस पर्टिकुलर फील्ड की सारी फील्ड्स डाल दी, एक ही रिकॉर्ड की सारी ए टू जेड, तो देन उसको आपको ऑर्गेनाइज करा एक पर्टिकुलर अच्छे वे में, इस कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, जिससे कि आप उसको रेडी टू एक्सेस कर सकें, आप उसको ईजीली समझ सकें. जैसे ये एक एग्जाम्पल है, नॉर्मलाइजेशन से पहले हमारे पास स्टूडेंट आईडी आ रही थी, नेम आ रहा था, एड्रेस आ रहा था, सब्जेक्ट्स आ रहे थे, सब्जेक्ट के कॉस्ट आ रही थी, ग्रेड्स आ रहे थे. उसके बाद हमने उसको नॉर्मलाइज करा और फिर हमने क्या करा, एक हमने रैशनलाइजेशन डेटाबेस क्रिएट कर लिया जिसमें हमारी मेन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, और फिर उस स्टूडेंट आईडी से हमने लिंक कर दी क्या अलग अलग हमारी स्टूडेंट की सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट की कॉस्ट एंड ग्रेड्स ऑल्सो, और फिर उसके बाद ये हमारी रिजल्ट टेबल हो गई जिसमें हमारा क्या आया, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट जो है कंबाइन हो गए. तो हमें अब हर बार नाम और एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वी हैव मेड इट अ नॉर्मलाइजेशन जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे डेटा जो है ईजी टू एक्सेस हो गया. तो वट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, एक तो यू रिड्यूस द रिडंडेंसी, मोर एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर, मोर फ्लेक्सिबल, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा. देन वी हैव द डेटाबेस स्कीमास. नाउ After studying the structures, हमारे पास है स्कीमा. स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन मतलब कि पढ़ते हैं DBMS is responsible for access of database. One of the initial steps be telling the DBMS the logical and physical structure of data and relationship among data of such user. मतलब अगर आपका एक डेटा है, वो डेटा कहाँ पड़ा है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उस डेटा में क्या पड़ा है, मतलब उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो उस डेटाबेस की जितनी भी डिस्क्रिप्शन है जिसमें ये सारी चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्कीमा. स्कीमा के हमारे जो लेवल्स होते हैं, तीन लेवल्स होते हैं. पहला हमारा होता है एक्सटर्नल स्कीमा, मतलब जो आप देख पा रहे हैं, दैट इज द यूजर्स व्यू. द लेवल डिस्क्राइब्स द
that part of the database that is relevant for each user, jitna aapke liye zarurat hoga utna aapko dikhega, that is called the external schema. So external schema is one of the one which is closest to the end user, and individual users are given different views according to user's requirement. फिर उसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा. कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है उसके उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा था, सिर्फ उसमें डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं, उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन है एक्सटर्नल स्कीमा में. जैसे कि लेट से एक एचआर पर्सन है तो उसको एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी. तो ये क्या होगा, ये डिफरेंट यूजर्स व्यू का डेटा होगा, यानी कि एक्सटर्नल स्कीमा होगा जो मैं देख पा रही हूँ एज अ एचआर. अकाउंट्स के पर्सन वाले जो होंगे वो अकाउंट्स का स्कीमा देख पा रहे होंगे. तो दैट इज द एक्सटर्नल स्कीमा जो यूजर स्पेसिफिक है. कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में ना सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब द लेवल डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, आपके डेटाबेस के अंदर है क्या, and the relationships and the constraints among the data. The level contains logical structure of the entire database. मतलब आपके पूरे डेटाबेस में जो भी है वो पूरा का पूरा आपका इसमें आ जाएगा conceptual schema में. मतलब आपका conceptual schema में along with your things जो जैसे ऊपर आ रही थी, आपका ID, name, DOB, date of joining, department, designation, basic pay, leave, TDS, डिडक्शन और रिलेशनशिप अमंग देम, मतलब दैट इज इट इनकॉर्पोरेट्स व्यू ऑफ कम्युनिटी ऑफ यूजर्स एचआर एज वेल एज पेरोल. तो यू विल गेट टू नो दैट व्हाट थिंग्स आर रिलेटेड टू व्हाट अदर्स. ऑल दिस डेटा आइटम्स वुड बी इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्मॉल टेबल्स विद रिलेशनशिप्स एंड कंस्ट्रेंट्स. जो नॉर्मलाइजेशन हम अभी ऊपर देख के आए हैं सेम प्रोसेस में. Then you have the internal schema. What is the internal schema? It is the physical representation of database of the on the computer. This level describes how the data is physically stored in the database. The internal level is concerned with storage space allocation, record descriptions, record placement, data compression and data encryption techniques. अब ये एक example इन्होंने दिया हुआ है what इसका schema का. जैसे external schema है, ये सबके लिए अलग अलग होगा, HR के लिए अलग होगा, payroll के लिए अलग होगा, accounts department के लिए अलग होगा. Then we have this logical structure जो कि conceptual schema में होगा. Then we have the internal schema जिसके अंदर सारा database stored होगा, that is the physical storage. Okay. अब आते हैं हम database की languages में. Database की हमारी language क्या होती है, तो सबसे पहले हमारी होती है data definition language, which is the database administrator जो होता है हमारे उसके द्वारा use की जाती है. तो this is the language जो हमारी मेन जो डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है, यानी कि जिससे आप कंप्यूटर्स को कमांड देते हैं, उस जो इंस्ट्रक्ट करते हैं आप कंप्यूटर को, जो रिलेशनशिप को आप डिस्क्राइब करते हैं, वो सारा इसमें आता है. देन यू हैव द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आप क्या करते हैं, मतलब उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई उसमें एडिशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, कुछ इंसर्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप मैनिपुलेशन लैंग्वेज से कर सकते हैं. एंड देन यू हैव द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके थ्रू क्या होता है, आपको एक्सेस जो है उसको अगर आपको कंट्रोल करना है, आपको डेटा इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी मैनेज करनी है, तो वो आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आ जाता है. तो दीज आर द थ्री लैंग्वेजेस जो हमारी डेटा बेस्ड लैंग्वेजेस हैं. वन इज़ अ डेफिनेशन लैंग्वेज जिसके थ्रू आप बात करते हैं कंप्यूटर से. अनदर इज़ अ मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसमें आप कंप्यूटर में जो आप ऑलरेडी इनबिल्ट जो आप चीज़ें बना चुके हैं थ्रू DDL आप उसको चेंज करते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन जो होती हैं. एंड इन द सिक्योरिटी दैट इज़ द कंट्रोल इज मैनेज बाई डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. यही इसमें हमें समझा रखा है इन्होंने. देन वी हैव द की कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा बेस. वट इज़ द की कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा बेस. मेटा डेटा, where data came from, मतलब metadata मतलब the normal information about the data. You can say the index of the database. जैसे कि where data came from, how data were changed, how data are stored, how data are mapped, who owns data, who can access the data, data usage history, data usage statistics. अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी information जो होती है आपके index में रहती है ना, जो आप एक record file maintain करते हैं, आप कह सकते हैं उसमें रहती है. Then you have a data dictionary. डेटा डिक्शनरी मतलब वे डेटा इज डिफाइंड, टाइप्स ऑफ डेटा विच इज प्रेजेंट, रिलेशनशिप अमंग डेटा, कीज ऑफ डेटा बेस, पीपल एक्सेसिंग द डेटा एंड एक्सेस रूल्स. तो ये आपके डिक्शनरी में आएगा कि आपको क्या चीज़ें एक्सेस करनी है, क्या नहीं करनी है, और
पूरा आप एक जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट मेंटेन करेंगे वो इसमें करेंगे. देन यू हैव डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, देयर आर टू डिफरेंट. वो एक है हमारा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, अनदर इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी फंक्शंस बना के देता है. और डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो टेक्निकल चीज़ें चेक करता है. यू कैन से कि एक जो है वो एक सीनियर पर्सन है और एक जूनियर पर्सन है. तो दैट इज़ डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. तो जितने भी हमारे ये टास्क होते हैं डेटा मैनेजमेंट के, वो कौन परफॉर्म करता है एक्चुअली में, वो परफॉर्म करता है हमारा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. डेटा बेस मैनेजर जो डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, हमारा डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर हमारा टेक्निकल टास्क करता है. मतलब कि वो मॉनिटरिंग करता है, वो हमारा चेकिंग करता है कि अगर कोई उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल्स डालने हैं तो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डालता है. देन वी हैव द डेटाबेस एप्लीकेशंस. मतलब कि अगर आपको लिंकेज करनी है डेटाबेस डेटाबेस को वेब से, तो देन यू हैव द टू, वो एक है आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन, एक आपका बैक एंड एप्लीकेशन. फ्रंट एंड एप्लीकेशन आपका यूजर्स के लिए, बैक एंड एप्लीकेशन जिसमें अभी आपकी प्रोग्रामिंग वगैरह होती रहेगी. देन यू हैव द डेटाबेस सिक्योरिटी एंड कंट्रोल. मतलब इसके कंट्रोल इन द टर्म्स ऑफ आपके डेटाबेस रोल्स एंड परमिशंस आप डिफाइन कर सकते हैं. आप एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं कि कौन देख सकता है. आप व्यूज इनेबल कर सकते हैं. यू कैन स्टोर प्रोसीजर्स की किस तरीके से काम होगा पूरा. यू कैन ट्रिगर कि अगर इस तरीके अगर कोई एक पर्टिकुलर ऐसा काम हो जाए देन यू हैव टू टेक दिस एक्शन. देन यू हैव द डेटाबेस सिक्योरिटी. वट इज डेटाबेस सिक्योरिटी, मतलब वुड ऑथराइज पीपल शुड बी गिवन राइट एक्सेस टू द राइट डेटा. जो काम जिस जो इन्फॉर्मेशन जिस पर्सन को पहुँचनी है उसी को पहुँचनी चाहिए. दैट इज़ द डेटा बेस सिक्योरिटी. एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हैं, स्पेशलाइज यूजर्स जो हैं, नेव यूजर्स को है, किसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी है, इज कॉल्ड डेटा बेस सिक्योरिटी एंड इज मैनेज बाई डेटा बेस सिक्योरिटी. देन यू हैव द ऑडिटिंग डेटा बेस. अब आप ऑडिट कैसे करेंगे डेटा बेस को और क्यों करेंगे? तो आपको डेटाबेस को ऑडिट करने की इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि अदरवाइज इट विल बी द कॉस्ट ऑफ ब्रीच इज़ वेरी हाई. अगर आपका डेटा लीक हो जाता है, आपका डेटा स्टोलन हो जाता है, तो आपकी जो आइडेंटिटी है, रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट है, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. देन यू हैव अ रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑल्सो. हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो बहुत इतना सिक्योर्ड है, सपोज गवर्नमेंट का डेटा है या कुछ है, तो उसको मैनेज करना या उसको सिक्योर करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. Then you have a database leak prevention, so that you can prevent the leakage of the database. Otherwise, it can attack on where that so attackers are targeting the database where data can be captured in bulk. So आपका उस तरीके से data इकट्ठे पूरा at large store हो सकता है. Open accessibility. Then you have the auditing database. The database may be front end and back end. So it is important to audit applications controls, application facility. Facilitate access by customers, employees and business partners. Many different applications may be accessing the same database and be subject to different set of controls. हो सकता है ना कि आपका एक ही डेटा है और बहुत सारे लोग उसी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जितना पोर्शन एक पर्टिकुलर यूजर के लिए रेलिवेंट है उसको उतना ही जाए. अगर उससे ज़्यादा गया तो वो कन्फ्यूज भी हो सकता है और उसका मिसयूज भी हो सकता है. So that's why auditing the database to maintain at both the front end and back end is very important. So what हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम पैरामीटर कंट्रोल लगा सकते हैं, राइट? हम उसमें पैरामीटर कंट्रोल्स, मतलब हम जैसे कि फायरवॉल्स हो गया, IDS भी आगे हमारा आने वाला है, वो लगा सकते हैं. देन वी हैव द डेटाबेस कंट्रोल्स. हम ड्यूटी सेग्रीगेट कर सकते हैं. फिर उसके बाद आता है हमारा एरिया ऑफ रिव्यू बाय IAS ऑडिटर. आपको क्या करना है, आपको डेफिनेशन स्टैंडर्ड्स सेपरेट टेस्ट करोगे. आप डेटाबेस का लाइफ डेटाबेस का अलग टेस्ट होगा. एक्सेस कंट्रोल्स, फिर उसके बाद ऑथराइजेशन आईडी जो चेंज हो रही है वो देखना है. स्ट्रक्चर डेटा में क्या चेंजेस हैं, डेटा वैल्यूज में क्या चेंजेस हो रहे हैं अगर कोई डेटा अपडेट हो रहा है. कंट्रोल्स टू हैंडल कंकरेंट एक्सेस प्रॉब्लम्स, वो आप देखेंगे ये सब. फिर आपका कि आपको नेटवर्क डेटाबेस को कैसे ऑडिट करना है. अभी हम क्या देख रहे थे कि आपका एरिया ऑफ रिव्यू क्या है. अब आपको जो डेटाबेस है आपको उसको ऑडिट कैसे करना है. तो ऑडिट कैसे करना है आपको, आपको ऑडिट करना है आपको कि किस तरीके से हमारा ऑडिट का डेटाबेस मैनेज होने वाला है, राइट? तो उसके बाद हमारा आता है कि हमारा ऑडिट डेटाबेस हमें क्या क्या करना है, स्टेप्स क्या रहेंगे हमारे. तो हमारे स्टेप्स रहेंगे अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन सिस्टम. हम सबसे पहले समझेंगे कि उनका जो हम जिस चीज़ का ऑडिट करने जा रहे हैं
वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनका काम कैसे होता है, हाउ इज देयर डेटा इंपॉर्टेंट, हाउ इज देयर डेटा शेयर्ड, उनका डेटा उनके एम्प्लॉयज तक पहुंचता कैसे है या उनके यूजर्स तक पहुंचता कैसे है वो देखेंगे. देन हम डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स समझेंगे, एनवायरमेंट समझेंगे कि किस तरीके से काम होता है, एक्सेस देखेंगे, लॉग्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे सक्सेस लॉगिन हुआ है, फेलियर कहाँ पे हुआ है, कितनी बार पासवर्ड चेंज हुए हैं, ऑल्टरेशंस कितनी बार हुई हैं, यही तो हम चेक करेंगे एज एन ऑडिटर. फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऑडिटिंग टूल्स हैं, और वो ऑडिटिंग टूल्स ऑल्दो इस चैप्टर में हमें नहीं दिए हुए हैं, बट वो हम मतलब आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में उन्होंने हल्का सा बताया है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट डेटाबेस एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. Why is this chapter important? Why is this concept important? Is because data is very important. So it is very important for everybody कि हमें पता होना चाहिए कि database और database management system किस तरीके से काम करता है. तो this was all about database and database management systems. I hope you have liked the video. I have really made it very short as demanded by you, because मुझे यही कहा गया था कि already you have already studied most of the things और आपको यू जस्ट नीड अ क्विक रिविजन. तो मैंने इस वीडियो को भी क्विक रिविजनरी फॉर्म में ही बनाया है, सो दैट वी कैन जस्ट गो थ्रू इट बिफोर एग्जाम. एंड इट वॉज ऑल. अगर आपको वीडियो पसंद आया आप इसको शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक अवेलेबल मोर सच वीडियोज. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.